देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेक बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने दो खुलासे किए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और काठगोदाम थाना व एसओजी की संयुक्त टीम ने 105 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी तस्कर को पकड़ा। आरोपी हल्द्वानी में कबाड़ का काम करता था और अपने गांव जाकर कई बार स्मैक हल्द्वानी लेकर आता था। आरोपी बदायूं कम पैसों में स्मैक लाकर हल्द्वानी व पर्वतीय जिलों में ऊंचे दामों में बेचता था ताकि उसे अधिक मुनाफा हो सके। इसके अलावा एसएसपी पंकज भट्ट ने चैन स्नैचिंग के मामले का भी खुलासा किया। मुखानी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना को 23 वर्षीय पीलीभीत निवासी युवक ने अंजाम दिया था, जो हल्द्वानी में किराए के मकान पर रह रहा था। इस संबंध में पुलिस को 7 फरवरी को सूचना मिली। पीड़ित भूपेश पांडे ने बताया कि 5 फरवरी को उनके साथ एक युवक ने चैन स्नैचिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को खोजने के लिए मुखानी क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एसएससी पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपी अनुराग गंगवार के हाथ से एक पीली धातु की चेन बरामद की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं कालादूंगी से समी सलाम की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। भूपेश पांडे जी द्वारा 7 तारीख को एक तहरीर मुखानी थाने में दी गई कि उनकी माताजी जब वापस बाजार से आ रही थी तो एक चेन स्नैचर द्वारा उनकी माताजी की चेन छीनी गई। इसमें 392 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अनुराग गंगवार करके युवक का नाम प्रकाश में आया। इसमें करीब 100 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा अवलोकन किया गया। शुरू में भागते हुए मास्क पहना हुआ था, बाद में इसके द्वारा जब मास्क उतारा गया तो उसके आधार पर पुलिस ने जस पाम से इसको गिरफ्तार किया गया है और जो चेन थी वो बरामद की है। इसमें पुलिस द्वारा जो तत्परता से कार्रवाई की गई इसके लिए मेरे द्वारा टीम को 5,000 रुपये की इसका अभी हम लोग इसका पूरा सत्यापन और इसका आपराधिक इतिहास को चेक करवा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी और जो संलिप्तता है वो सामने आ सकती है।